नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले एसएससी मल्टीटास्किंग का फॉर्म कैसे भरेंगे। आप इसको मोबाइल से ही भर सकते हैं और अपने लैपटॉप कंप्यूटर से ही भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे इसमें जो एक झाम है, यानी झाम का मतलब है कि इसमें एक स्टेट का प्रीफरेंस मांग रहा है, जिसको कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपके पास रेडी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, आपको सिलेबस भी दिखा देंगे इसका। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए ये वीडियो है, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वो हमारी दूसरी वीडियो देखे, जिसका कि लिंक आपको सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारीरिजल्ट.com पर मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें SSC MTS का फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, SSC MTS का फॉर्म आपको मिलेगा भरोसेमंद और विश्वसनीय वेबसाइट रोजगारीरिजल्ट.com पे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, रोजगारीरिजल्ट.com एक भरोसेमंद और सबसे तेज अपडेट वाली वेबसाइट है। आप देख सकते हैं SSC MTS का फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म भरने पे। दोस्तों, मैं जिस दूसरी वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ उसका नाम है सरकारीरिजल्ट.com। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट से आप बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित है और बहुत ही पुरानी वेबसाइट है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी गूगल पे सरकारी रिजल्ट लिखिएगा लास्ट में .com जरूर लगाइएगा। अब हम सीधा चलते हैं फॉर्म पे। तो बता दें SSC MTS का फॉर्म जो है चालू हो चुका है। आपको बता दें इसकी अंतिम तिथि 21 मार्च है। फीस जो है 100 रुपये लग रही है। SC ST महिलाओं की कोई भी फीस नहीं है। एग्जाम इसका 1 से 20 जुलाई तक होना है। पेपर 1 और पेपर 2 इसका 21 नवंबर को होना है। उम्र की बात करें तो ये देख सकते हैं इसमें दो तरीके की उम्र दी है। इसका क्या कंफ्यूजन है तो आपको बता दें 18 से 25 साल वाले भी इसको भर सकते हैं, 18 से 27 साल वाले भी इसको भर सकते हैं। वो बाद में डिपार्टमेंट इसको डिसाइड करेगा कि वो किस एज ग्रुप वालों को ले रहा है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। मैं आपको भी नोटिफिकेशन में भी दिखा दूंगा। दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, यानी कि स्टेट वाइज पोस्ट कोड। ये देख सकते हैं ये दिया हुआ है, साथ ही साथ इन्होंने एक नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, डाउनलोड डेमो फॉर्मेट। तो आप सबसे पहला काम कीजिए, फॉर्म भरने से पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही सिंपल एक पेज का फॉर्मेट है। आप इसको डाउनलोड करने के बाद क्या कीजिए, ये देखिए स्टेट वाइज कोड दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए सीरियल दिया हुआ है। आपको जिस क्रम में डालना है उस क्रम में इसको सेट कर लीजिए। मैंने इसको सेट करके रखा है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको आप डाउनलोड करने के बाद इसको सेट कर लीजिए। जैसे पहले पे आपको, मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप पहले पे यूपी ले सकते हैं। देख सकते हैं यूपी का कोड क्या है, के, तो पहले पे यहाँ पे के लिख दीजिए। दूसरे पे आप जैसे दिल्ली लेना चाहते हैं तो जी लिख दीजिए। तीसरे पे आप राजस्थान लेना चाहते हैं तो एच लिख दीजिए, मध्य प्रदेश, तरीके से पूरे कोड। और एक चीज़ बता दें, कोई भी कोड आपका रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई भी कोड आप उसको छोड़ नहीं सकते, यानी पूरे जितने प्रिफ्रेंस है आपको सब भरना जरूरी है। अब हम सीधा चलते हैं, लॉगिन करते हैं, सीधा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। और साथ ही साथ बता दूँ, अगर आपको उसका सिलेबस डाउनलोड करना है तो भी ये आपको जो है उपलब्ध है। यहाँ पे दिखा देता हूँ सिलेबस भी, ये देखिए सिलेबस भी जो है उपलब्ध है, 3 पेज का सिलेबस है इसको, कि आप आसानी से सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारीरिजल्ट.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अब और समय नहीं खराब करते हैं, जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और जो नए कैंडिडेट हो, जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको लॉगिन करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लॉगिन करते हैं। देख सकते हैं लॉगिन करते ही मेरा यहाँ लॉगिन पेज खुल गया। यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो सीधा हम लॉगिन करते हैं। दोस्तों, लॉगिन करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका नाम आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं SSC MTS का ये फॉर्म आ गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ एक चीज़ बता दें, SSC ने एक नियम बदल दिया है। एक तो आपको मैंने बताया कि अभी आप स्टेट प्रेफरेंस नोट कर लीजिए, दूसरा ये है कि जो आप फोटो लगाएंगे उसका बैकग्राउंड लाइट रखिएगा, और फोटो आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ फोटो पे आपका नाम और फोटो खिंचवाने की डेट लिखी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो SSC आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका ये बार बार, वो लगातार कमेंट पे कहते हैं, हमारी पिछली वीडियो में उन्होंने कहा कि सर हमने पेमेंट कर दिया लेकिन पेमेंट जो है कट गया और शो नहीं कर रहा है। तो उनके लिए बता दिए, देखिए डबल वेरीफिकेशन का ऑप्शन है, ये देखिए मैंने इसको मार्क कर दिया है। पेमेंट करने के बाद कुछ डबल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कीजिए अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको पेमेंट करके भी दिखाऊंगा, पेमेंट करने के बाद कैसी रसीद आती है वो भी दिखाऊंगा। तो इसे वीडियो को तो पूरे एंड तक देखना ही देखना है आपको। साथ ही साथ आप टाइम टू टाइम अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कीजिए अप्लाई पे क्लिक। दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की सारी चीज़ें जो है हमारी बिल्कुल अपने आप आ जाएंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, सेंटर डालना है। जैसे मैंने पहला सेंटर अपना आगरा ले लिया है, होम टाउन, दूसरा मैंने प्रयागराज ले लिया है, तीसरा मैंने लखनऊ ले लिया है। ये तीनों सेंटर डालने के बाद यहाँ पे पूछा आप एक्स सर्विस मैन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ये सब देख सकते हैं, सारे ऑप्शन पहले से ही हाइड है। अब दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी वहाँ पे एज रिलैक्सेशन का है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे पोस्ट का यानी कि स्टेट का प्रेफरेंस दे रहा है। मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि आप स्टेट प्रेफरेंस का कोड जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसको भर लीजिए। इसको चलिए दोस्तों अभी हम भरते हैं, तब तक हम इसको जो है आपको बाकी चीज़ें नीचे की भर के दिखा देते हैं। सबसे पहले पूछा आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटर है, तो मैं यहाँ पर इंटर डाल देता हूँ अपना।
नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी, यानी कि इसेंशियल में इसमें हाई स्कूल मांगा है, हम हाई स्कूल क्लिक कर देंगे, यहाँ पास कर देंगे। पासिंग जो है कब पास किया आपने वो डाल देंगे, किस बोर्ड से आपने पास किया वो डाल देंगे, देख सकते हैं मैंने डाल दिया, अपना रोल नंबर डाल देंगे, आपको जो परसेंटेज है वो डाल देंगे, सीजीपीए अगर ऐसा है तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपका ये डिटेल्स है डीओपी के साथ शेयर की जा सकती है, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको पहले भरते हैं फिर आगे चलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं हमने एक प्रेफरेंस कोड को जो है पहले से सेट कर लिया है, एक आपके बस समझाने के लिए आपको बता दें आप इसको कैसे फिल आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक बता दूं, जैसे आप एग्जांपल जैसे आपको उत्तर प्रदेश चाहिए तो यूपी को आप जैसे ही यूपी को आप फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे यूपी का जो कोड है, और यूपी का कोड जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, जैसे आपका यूपी का कोड है के, तो जैसे आप यूपी को क्यू को जैसे के को हमने देखिए पहले पे लिखा, तो आप यूपी को काट दीजिए ताकि वो नंबर जो है डबल ना हो। जैसे के हमको पहले चाहिए तो के को हम लिखते हैं और के को काट देते हैं। उसके बाद आई जैसे हमने लिए रखा है, ये दोस्तों हमने एक सैंपल कर रखा है, ये आप इसको अपने हिसाब से सेट कीजिएगा कि आपको कैसे, जैसे आई पे उत्तराखंड है मैंने सेकंड पे उत्तराखंड लिया। फिर जेड जो है आप देख सकते हैं जेड पे क्या है, यहाँ देख सकते हैं जेड पे आपका मध्य प्रदेश है, तो इस क्रम में मैंने इसको सेट किया है, आप इसको अपने क्रम में सेट कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसको हम भरते हैं आपको एसएससी पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से क्रम में जो इसको भरना है, और उसी तरीके से सेम आपको उसको नीचे रिपीट भी करना है। तो चलिए मैं इसको भरता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सारे प्रेफरेंस हमने भर दिए हैं, थोड़ा समय लगा प्रेफरेंस भरने में क्योंकि कोई भी अगर आपका डबल होगा तो नहीं लेगा, तो प्रेफरेंस इसी तरह के आपको दोनों जो है सेम भर देने। अब आपको नीचे चलना है, दोस्तों जैसे ही नीचे आएंगे आपको बता दूं फोटो यहाँ पे लगानी है, आपको सिग्नेचर लगाना है, फोटो पे आपका नाम जो है प्रिंट होना चाहिए और साथ ही साथ फोटो खिंचवाने की डेट हो, यहाँ पे आपको वही डेट लिखनी है जिस तारीख की आपकी फोटो लगी है। मान लीजिए आपकी फोटो पे डेट जो है 2 फरवरी पड़ी है तो यहाँ पे आपको 2 फरवरी लिखना है, अगर आप और जो डेट पड़ी है वही डेट लिखना है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों फोटो सिग्नेचर हम अपलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, सिग्नेचर भी यहाँ अपलोड है, फोटो पे देखिए नाम और फोटो खिंचवाने की डेट साफ साफ लिखी हुई है, वही डेट यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो दोस्तों अब हम नीचे चलते हैं, दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को आपको डालना है, आप रिव्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप रिव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी आपने प्रेफरेंस भरा वो प्रेफरेंस पे बाकायदा कोड के साथ जो है नाम आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुका है। अब हम सीधा चलते हैं इसको नीचे बॉटम पे, दोस्तों बॉटम पे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एडिट मॉडिफाइड और दूसरा सबमिट का। तो दोस्तों हम इसको सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों सबमिट करते ही मान फॉर्म हमारा जो है आप देख सकते हैं एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन जब तक इसका पेमेंट नहीं होगा तब तक ये माना नहीं जाएगा, तो इसका पेमेंट करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों पेमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं दोबारा हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं, इससे पहले हमने अप्लाई पे क्लिक किया था, अब हम इस पर पेमेंट करेंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे। जी हाँ दोस्तों अगर आपको चालान से पेमेंट करना तो आपको यहाँ से डाउनलोड चालान करना पड़ेगा, लेकिन हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको एक बार फिर बता दें अगर किसी वजह से आपका पेमेंट इरर हो जाता है तो आपको डबल वेरीफिकेशन ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल करना है, पेमेंट करके दिखाते हैं कैसे कैसे पेमेंट ऑप्शन है। दोस्तों पेमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ देख सकते हैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, आपको ऑनलाइन पे क्लिक कर देना और सबमिट करके आगे चलना है। दोस्तों देख सकते हैं पेमेंट के ऑप्शन खुल चुके हैं, आपको बता दें इसका पेमेंट आप अपनी नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक के नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसका पेमेंट यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैं आपको प्रीफर करूंगा आप इसका पेमेंट जो है डेबिट कार्ड से कीजिए या तो नेट बैंकिंग से कीजिए, और पेमेंट करने के बाद दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, अब आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो और साथ ही साथ अपना फॉर्म का प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। साथ ही साथ आपको बता दें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हमने दे रखे हैं जिसका इस्तेमाल कीजिएगा, नई नई भर्ती नई नई जानकारी के लिए आप इसको सरकारीRESULT.COM और RozgarResULT.COM पर लगातार विजिट करते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद।